हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये फ़ैन सेलिंग फ़ैन है दोस्तों, ये जल गया है तो इसको खोलने का तरीका दिखाएंगे और कैसे खोला जाता है और क्या क्या सावधानी रखी है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये थोड़ा हल्की बाड़ी तो वो मोटी बाड़ी थी तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता है उठाने में टूटने का। इसमें थोड़ा सा फिस्क रहता है, ये करेक्ट हो जाता है तो बड़ा हिसाब से खुलना रहता है। तो चलिए दोस्तों इसको वीडियो शुरू करते हैं और इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले इसका वायर निकाल लेंगे दोस्तों। वायर ये जल गया, इसको कोई मतलब नहीं है, ध्यान नहीं देना तो दूसरा वायर लगेगा। नहीं जला रहता तो इसको वायर का ध्यान रहता है, कौन सप्लाई पर रहता है, कौन कैपेसिटर पर रहता है। ये जल गया है तो अब तो दूसरा वायर लगेगा। इसका फिक्सर को छुड़ा लेंगे और ये हुक निकाल लेंगे, ये स्क्रू खोलेंगे, ये तीनों। स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा हल्का हल्का इसे फिक्स करिएगा। तो ये निकल जाएगा, ये दिख रहे दोस्तों। इसका कॉइल पूरी तरह जल गया है। इसकी बाइंडिंग होगी दोस्तों, इसकी बाइंडिंग करा के फिर इसको फिर सेटिंग करके इसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसको बाइंडिंग कराएंगे तो इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको लगाएंगे। इसको कैसे बैठाना है, कैसे इसको सेट करना है और कैसे इसका कनेक्शन करना है, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे दोस्तों। इसका प्लेट निकालने के लिए दोस्तों इसको धीरे धीरे हल्का हल्का हथौड़ी से हल्के हाथ से हथौड़ी से मारना है। ये निकल जाएगा दोस्तों आराम से हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे मारिएगा। और इस वायर को इसमें जो कटिंग होती है इसमें अंदर डाल के ऐसे खींच लीजिएगा दोस्तों। ये निकल गया कॉइल दोस्तों। इसकी बाइंडिंग करा के अब इसको हम फिर से इसको सेट करके इसको वीडियो लेके आएंगे। तो इसका पार्ट टू देख ही लीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।